5 साल का हिमांशु है, 5 दिन से लापता है, 29 तारीख सुबह 9 बजे से, लेकिन गिरनीस पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। अब जब ये जाते हैं, जब जब इनको धमका कर भेज देते हैं, अगर तुम आप लोगों ने कहीं बच्चे को बेच तो नहीं दिया, तुमने बच्चा बेच दिया होगा, इसलिए इनकी कोई सुनाई नहीं करे सर। यही नहीं दिख रहा, पता लग रहा है कि लड़का गया कहाँ, हिमांशु मेरा ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि कहूँ, पता नहीं लग रहा। सर देख सकते हैं जो सीमा जी के हाथ में है, साफ तौर पर यहाँ पढ़ सकते हैं जो जो चीज़ें लिखी गई है, गुमशुदा की तलाश, नाम हिमांशु, उम्र 7 वर्ष, मंगोलपुरी दिल्ली। वो चिड़ने लगा कि जे बार बार आ रहा, तो बोला हमसे कि ऐसा तो नहीं खुद बेच दिया हो तूने, हमने सर ऐसी बात आप कर रहे, ऐसा हो सकता है कभी? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, मैं शमी रंजन। मंगोलपुरी, मंगोलपुरी एक ऐसा इलाका है जहां से प्रतिदिन राजधानी में ऐसी खबरें आती हैं जो आपको दिल दहला देती हैं। प्रतिदिन यहां से ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, कभी मर्डर हुआ, कभी क्राइम, कभी ऐसी वारदात। लेकिन रविवार को एक हिमांशु नामक बच्चा, वो नाबालिग है, बहुत छोटी उम्र का है, वो गायब हो गया। उसके परिवार वाले रविवार से लेकर आज गुरुवार हो चुका है ढूंढ रहे हैं, बेहद परेशान हैं। इसके बाद जब पुलिस प्रशासन की मदद ली, उन्होंने नहीं कुछ निकल कर सामने आया, तब जाके उन्होंने मीडिया की मदद ली। अभी हम उनके परिवार के साथ मौजूद हैं, हिमांशु के माता पिता दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, हम आपको दोनों से बात कराएंगे, पूछेंगे उनसे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कारण था, और अगर वो गायब हुआ तो आपको क्या किसी से दुश्मनी है या और भी कुछ कारण है। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, हिमांशु की उम्र केवल 7 वर्ष है। हाँ जी, बहुत छोटा बच्चा, मासूम है वो। हाँ, बताइए क्या हुआ था रविवार को? कुछ नहीं हुआ था, सुबह 9 बजे उठा रविवार के, बोला मम्मी चाय दे दो, हमने चाय दे दिया, उसने पी लिया, नीचे उतरा जी। फिर बोला, हमने बोला कि बेटा ना जाना किसे कहीं, बोला मम्मी हम नहीं जाऊँगी कहूँ के, वो लड़के बच्चन के साथ में वो चला गया दोस्तन के। अब यही नहीं दिख रहा, पता लग रहा है कि लड़का गया कहाँ, हिमांशु मेरा ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि कहूँ, पता नहीं लग रहा। पुलिस वाले भी मदद नहीं कर रहे, कुछ नहीं बता रहे हैं। कंप्लेन की थी आप लोग? हाँ कंप्लेन करी थी। कब कंप्लेन की थी? जैसे रविवार को सुबह सुबह गायब हुआ, उसके बाद जब वो गुमशुदा हो गया, कब कंप्लेन की थी? सोमवार के। देखो आप पोस्टर देख सकते हैं जो सीमा जी के हाथ में है, साफ तौर पर यहाँ पढ़ सकते हैं जो जो चीज़ें लिखी गई है, गुमशुदा की तलाश, नाम हिमांशु, उम्र 7 वर्ष, मंगोलपुरी दिल्ली, 83 से लापता है। अब जो दिनांक है वो दिनांक भी यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद जो यहाँ पर खास बात लिखी गई है, सूचना देने वाले को 10,000 रुपये राशि दी जाएगी। अब आपको मैं बताता हूँ, एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए 10,000 बहुत बड़ी रकम होती है। रविवार से जब इनका पूरा परिवार तलाश में जुटा हुआ है, आखिर हार कर यह इनको पोस्टर छपवाना पड़ा और यहाँ पर यह रकम लिखनी पड़ी, क्योंकि परिवार वालों को लगता है कि अगर हम रकम लिख देंगे तो शायद इनका बच्चा लौटा दे, जिन्होंने भी अगवा किया है या गुमशुदा है या क्या कुछ हुआ है, अभी पूरी जानकारी हमें नहीं है। हम आपको ले चलते हैं हिमांशु के पापा हैं, ये हिमांशु के पापा से आपको बात कराते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश कुमार। हाँ ब्रजेश कुमार जी, जो रविवार को हिमांशु गायब हुआ, इसके बाद आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन कब की, कब कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ, पूरी बात सर? सुबह 9 बजे ऊपर खेलता रहा पहले, और फिर नीचे उतर गया, तो नीचे उतरने के बाद जब इनकी माँ ने देखा है कि बच्चा कहाँ है, तो बच्चा नीचे तो दिखा कहीं नहीं, तो यहाँ से जब कैमरा वैमरा जब चलाए गए तो पता लगा यहाँ से इस चौकी मंडी चौकी तक गया, घर से लगभग 50 कदम की दूरी, 50 कदम दूरी पे दिखा गया, और जब यहाँ से कैमरा चलाया तो उसने जो हाईवे रोड क्रॉस कर दिया, और हाईवे रोड क्रॉस करने के बाद वहाँ दिखा गया 4 नंबर पे। एक लड़का उसके पास छोटा सा और था, उससे थोड़ा बड़ा था, 1-2 साल, तो बोल रहे कि जे इधर से 2 नंबर से चढ़ा है और उधर 1 नंबर पे उतर भी गया है। 1 नंबर और उतरने के बाद में बोल रहे कि ऐसा है, चलो कल देखेंगे अब इधर की रास्ते किधर है किधर नहीं, तो हमने कहा चलो। अब दूसरे दिन बोल रहे हैं कि इधर तो हमने सारी जे पूरा चेक कर दिया, लेकिन इधर तो दिखा ही नहीं, आया ही नहीं होगा, तो जब भी तो नहीं दिख रहा हमें। हाँ सही बात है, और इधर का जो है जो कैमरा जो ख़राब चल रहा है, तो हमने कहा सर ऐसा है चलो, जे तो कैमरा ख़राब है, अगर जा रहा तो और सारे बहुत सारे कैमरा लगे, दिल्ली में करोड़ों कैमरा लगे, लेकिन आपने सर जे 2 कैमरे चलाए खाली, बस हर जगह CCTV फुटेज लगा हुआ। हाँ बस 2 कैमरा चलाए खाली उसने, बाकी कोई काम नहीं किया सर। अभी कुछ जानकारी तो नहीं मिली सर, बहुत परेशान हैं।
तो बोले भाई देखो ऐसा काम है जो कोई छोटा बड़ा काम नहीं, ये बहुत भारी काम है, थोड़ा सब्र करो मिलेगा। तो हमने कहा चलो सर। फिर तीसरे दिन फिर गए तो फिर बैठे रहे। अब वो चिढ़ने लगा कि ये बार बार आ रहा। तो बोला हमसे कि ऐसा तो नहीं खुद बेच दिया हो तूने। हमने सर ऐसी बात आप कर रहे, ऐसा हो सकता है कभी? तो और भी पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वाले ये कह रहे कि आपने अपने बच्चे को बेच दिया। मैंने बोला है जिसने मेरी रिपोर्ट लिखी थी उसने ये बात बोला है कि तूने ऐसा तो नहीं बेच दिया हो। तो और पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो खैर नहीं लगता है, लड़का तो सीधा लग रहा है। और ये काम हकीकत में हुआ, बेचारा परेशान है, तीन दिन से बराबर आ रहा है, परेशान है वो खुद। कि चलो बेटा खैर कोई बात नहीं, जाओ खोज तो रहे लेकिन फिर भी आप भी प्रयास करो। हमने सर हम तो प्रयास कर ही रहे, हम तो ये फोटो लेकर के हर गेट गेट पे जाते, भीख मांगते अपने बच्चे की, हम तो यही कर रहे हैं। पर्चे भी बंटवा रहे, अलाउंस भी लगवा रहे, हम तो सारे ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से मेरे को अभी कोई मदद नहीं मिली। वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कैमरे पर देख करके, जो भी आप कहना चाहते हैं? आप अपने बच्चे की तलाश कर रहे हैं, आपका बच्चा लापता है, लगभग आज 5 दिन पूरे होने वाले हैं। हम तो सर यही कह रहे हैं कृपया करके हमारा बच्चा, हमारा, क्योंकि जो आप पूरी दिल्ली में सब लोग देखेंगे, हर लोग देखेंगे, तो जो भी आप कहें सोच समझ। हम तो सर यही कह रहे हैं कृपया करके कि हमारा बच्चा मिल जाए, बस इतना ही है कृपया, और हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली बच्चा मिल जाए बस, और हमें किसी से नहीं मतलब है, यहाँ किसी झगड़ा इसी मतलब कोई चीज़ से हमें मतलब ही नहीं है, खाली मेरा बच्चा आ जाए बस। क्या कोई दुश्मनी थी पहले? नहीं सर ऐसा आपकी किसी से कहा सुनी हुई ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाली पहले दूसरे रूम में रहते थे, ऐसे बच्चों बच्चों थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, लेकिन इतना बड़ा तो खैर नहीं कोई हुआ है, दुश्मनी तो किसी से नहीं है। दर्शकों, मंगोलपुरी काफ़ी ऐसा इलाका माना जाता है जहाँ पर ऐसी खबरें ऐसी वारदात होते रहती है अक्सर, लेकिन ये 7 साल का मासूम बच्चा है हिमांशु, जिसकी कद अगर मैं बता दूँ ये केवल 3 फुट का है। रविवार को यह गायब हुआ, इसके बाद उसके परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, बहुत परेशान है। इसकी माँ, इनकी माँ सीमा जी काफ़ी दुखी हैं और अपने बच्चे की तलाश में जुटी हुई हैं, घर घर जा रही हैं, दर बतर भटक रही हैं, लोगों से पूछताछ कर रही हैं। आखिरकार में एक परिवार ने फिर ये निर्णय लिया कि हम कहीं ना कहीं अगर पैसे की बात करते हैं पोस्टर में तो शायद इनका बच्चा मिल जाए। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सूचना देने वाले को 10,000 रुपये मांगी जाएगी। सीमा जी जी, जो आप कहना चाहती हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं इस वक्त, और जो भी हमारे दर्शक से, हमारे क्या कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं आप? मैं सर यही बोलूँगी, मेरा बच्चा आप जहाँ भी हो तहाँ मेरा दे दो, सब लोग जो मांगेगा हम दे देंगे। अरे पड़ोस में एक बच्चा 7 साल का, हिमांशु नाम का था, वो करीब दिन में सुबह 9 बजे के करीब चाय पी के बाहर गया, और बाहर जाते जाते किसी बच्चे के साथ साथ खेलता 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 कहीं 4 नंबर तक पहुंच गया। इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस वाले इनकी कोई सुनाई नहीं कर रहे सर, और जब जब ये जाते हैं, जब जब इनको धमका कर भेज देते हैं, अगर तुम आप लोगों ने कहीं बच्चे को बेच तो नहीं दिया, तुमने बच्चा बेच दिया होगा, इसलिए इनकी कोई सुनाई नहीं कर रहे सर। हम यही कहेंगे आप लोगों से और सभी से यही कहूँगा, अगर इसकी कोई भी मदद हो सके जितनी मदद कीजिए आप, और हम लोग भी साथ दे रहे हैं। हमारा पड़ोस है मंगोलपुरी आर ब्लॉक कतरन मार्केट, और इसमें सभी इनको सहयोग दे रहे हैं, पर ये पुलिस वाले जितने भी पुलिस से हैं कोई भी हम लोगों को साथ नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम सभी से निवेदन ये करेंगे कि हमारे बच्चों को कैसे भी करके, पड़ोसी के बच्चा हमारा ही बच्चा है, उसको कैसे भी करके कहीं से भी ढूंढ ढांड के और सब हमारी मदद कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप लोगों का। शको, हिमांशु जब से गायब हुआ है तब से पूरे परिवार के लोग और आस पड़ोस के लोग भी परेशान हैं, हिमांशु को ढूंढने में व्यस्त। इसके बाद आप समझ सकते हैं एक मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा अगर गायब हो जाए तो परिवार की स्थिति कैसे हो जाती है। मेरे साथ हिमांशु के माता पिता दोनों मौजूद हैं, और हिमांशु के परिवार वालों का ये भी दावा है कि अगर कोई भी उनकी मदद करे, हिमांशु को ढूंढ कर अगर वापस घर लाता है तो कहीं ना कहीं 10,000 रुपये तो वो नगद देने की बात कर रहे हैं। किसी तरीके से ये पूरा परिवार 10,000 रुपये जुटाकर अपने बच्चे के लिए देने को तैयार है, बहुत मध्यवर्गीय परिवार है। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करें, और हिमांशु को घर वापस लाने में इनकी सहायता ज़रूर करें। वीडियो को शेयर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप लोगों की मदद से 7 साल का मासूम बच्चा हिमांशु घर वापस आ सकता है। जो हिमांशु के माँ पिता मेरे साथ मौजूद हैं इनकी मदद करें।
फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।